नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो ये मेरा मिडिल फ्लोर गार्डन है दोस्तों। यहाँ पर मेरी मिट्टी भी स्टरलाइज हो रही है। जो पॉट पॉट मेरे खाली हो रहे हैं उनको मैं ऐसे पलटती जा रही हूँ और धूप दिखा रही हूँ। ये मैंने दो पॉट तैयार किए हैं। इसमें मैं लौकी की सीडलिंग मेरी हो तैयार है, इसमें लगाऊंगी। और एक पॉट मैंने यहाँ पर तैयार किया है जिसमें मैं बड़ी बेल वर्गीय पौधे लगाऊंगी। और इसको मैंने जब तैयार किया तो इसके नीचे से पत्तों का सारा रस निकल रहा है, जो ये पूरा बह गया है। तो इसके नीचे मैंने एक पॉट लगाया है, इसी को मैं डाइल्यूट करके पौधों में डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए मेरा टेफन बेचिया, और ये एक पाउडर पफ का प्लांट है कटिंग से लगा हुआ। यहाँ पर ये एक मॉन्स्टेरा हो रहा है, और एक कटिंग मैंने मॉन्स्टेरा की ये लगाई है, तो इसमें भी कल्ले फूट रहे हैं यहाँ पर देखिए। और ये एक शो प्लांट है जिसने एक दूसरे को कवर कर लिया, लगा इसमें है ये, बट इसने इस गमले को भी कवर कर लिया है। सिंगोनियम प्लांट है ये। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कलेक्शन पत्तियों का कर रखा है, काफ़ी बड़ी बोरी है। और मैं अपने पॉट को अब सूखी पत्तियों से ही भर रही हूँ। तो इतना सारा मैंने कलेक्शन कर रखा है। और यहाँ पर नीम की भी कुछ पत्तियाँ कलेक्ट कर रखी हैं। यहाँ पर ये नीम की पत्तियाँ हैं, तो सब मिला के मैं पॉट भरती हूँ। इससे मेरे को मिट्टी कम यूज़ करनी पड़ती है, पॉट भी हल्के रहते हैं। तो आज बात कर लेते हैं दोस्तों मल्चिंग की, जो इस समय की ज़रूरत भी है। तो मल्चिंग मैंने अपने पौधों में की है, जैसे ये देखिए अपने पॉट्स में की है। तो देखिए इसमें टमाटर लगा हुआ है, ये देखिए वो टमाटर लग भी रहे हैं इसमें, और तो मैंने इसमें मल्चिंग कर दी है। तो मल्चिंग का तरीका सिर्फ ये होता है दोस्तों कि मल्चिंग हमेशा सूखे वेस्ट से ही करनी चाहिए, मल्चिंग कभी भी गीले से नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने सूखी पत्तियों को ऐसे इधर डाल दिया है, जिससे मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पौधे झुलस रहे हैं। तो बस ध्यान रखना चाहिए कि जड़ से दूरी पे हमें मल्चिंग करनी चाहिए, और बहुत घनी मल्चिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि हवा पानी का भी उसमें आवागमन रह सके। मल्चिंग के लिए हम सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हल्के फुल्के कागज़ से भी मल्च हम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर रखा है। मल्च के लिए हम नारियल के जूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटी छोटी लकड़ियाँ, जैसे इस तरह की लकड़ियाँ हैं, इस तरह की लकड़ियों को भी हम तोड़ के इस तरह से हम मल्च कर सकते हैं। कोकोपीट से भी मल्चिंग हम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि पौधों की जड़ों से दूरी पे हमें मल्च करना चाहिए, और इसके अलावा गीले प्रोडक्ट से हमें मल्च नहीं करना चाहिए। देखिए ये बेले का कितना सुंदर पौधा मेरे यहाँ हो रहा है, बहुत इसने ग्रोथ की है। इसको मैं 15-15 दिन में खाना खिलाती हूँ, बहुत सुंदर ये हो रहे हैं। और यहीं पे मिर्च, और इसी में एक बेल पत्री लगी हुई है, तो देखिए मिर्च भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और पॉट बहुत छोटा सा ही है। और इसमें मैंने देखिए मल्चिंग कर रखी है, देखिए सब में मैंने सूखी पत्तियों की मल्चिंग कर रखी है, ताकि पौधे का मॉइस्चर ना सूखे। यहाँ पर देखिए इसमें रह गया है, इसमें करूँगी। यहाँ पर देखिए ये मल्च हो रखा है। मल्च करने से हमारे माइक्रोब्स बचे रहते हैं, और पौधे भी हरे भरे रहते हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और माइक्रोब्स बचे रह जाते हैं। देखिए ये मेरे को फ्री का एक पौधा मिला था, चिड़िया कोई बीज डाल गई थी, और इतना बड़ा पौधा मेरे को मिल गया था। तो इसके अब कई बीज इसमें निकल रहे हैं। देखिए यहीं पर एक खीरे का बीज मैंने डाला था, तो ये हो तो रहा है, पर बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी हो नहीं रही है। अब मैं थोड़ी सी इसमें गुड़ाई करूँगी, तो गुड़ाई से भी 15 दिन में गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में गुड़ाई करती हूँ। ये देखिए टमाटर हो रहे हैं, साथ में मेलीबग्स भी लग रहे हैं, क्योंकि नीम ऑयल में डाल पाने का समय मेरे को मिल नहीं पा रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कागज़ से मल्चिंग की है, यहाँ पर कर दी है मैंने। इससे ये भी मोगरा कटिंग से लगा हुआ है, ओह सॉरी गंधराज पौधा है, इसमें फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो रही है। 15-15 दिन में इसको खाना खिलाती हूँ, कभी कभी किचन वेस्ट का पानी लिक्विड फर्टिलाइजर आती हूँ, कभी वर्मी कंपोस्ट का। तो देखिए इसमें भी मैंने मल्चिंग अच्छे से कर दी है, और इसी से इससे फ़ायदे ये भी रहेंगे कि धीरे धीरे सड़ती गलती रहेगी पत्तियाँ, और ये एक अच्छा इसको खाद प्रोवाइड कराएगी। ये देखिए मैं पीछे मेरे यहाँ गाय भी पली हुई, तो वहाँ से मैं गोबर लाई थी, इसको मैंने थोड़ा सा पत्तियों के साथ में पाता हुआ है और सुखा रही हूँ। इसी से मैं
लिक्विड फर्टिलाइजर बनाऊंगी इसको भिगा के, इस गोबर को भिगा के। तो इस तरह मेरी इजी गार्डनिंग, लो कॉस्ट गार्डनिंग भी चलती रहती है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, येलो कलर ऑरेंज कलर का ये गुड़हल है, छोटे से पॉट में लगा है, लेकिन 15-15 दिन में जब देते हैं ना खाना तो बहुत अच्छा ये डेवलप हो रहा है। और इसमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें टर्टल वाइन ने मल्च कर दिया है। टर्टल वाइन ज़रा सा लगा लीजिए तो पूरे गार्डन में फैल जाता है। तो इस साइड से मेरा गार्डन यूँ है और टर्टल वाइन ने सबको मल्च कर दिया है। ये महाराज भी मुझसे पॉट की गुजारिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल खाली कर दिया गमला, चींटियाँ भी घुस रही हैं इसमें, तो इसको भी मुझे अब नया पॉट देना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये भी सुदर्शन पॉट, सुदर्शन पौधा, ये देखिए। और इसने भी कई सारे कटिंग्स मुझे दे दी हैं, मैंने ऑफिस में खूब सारे बांटे हैं। यहाँ पर ये टर्टल वाइन ने इसको अच्छे से घेर लिया है और साथ में ये गुलदाउदी मैंने कटिंग लगा के सब लगा दिए इसमें, इसको सेव कर लिया। कटिंग से लगा मेरा ये चंपा और ये है वही जिसको पत्तियाँ धूप में रखते हैं तो पिंक कलर होता है, और छाया में रख देते हैं तो हरा हरा कलर होता है। देखिए पिंक कलर इसमें आ रहा है, नाम इसका मैं भूल रही हूँ, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। इसी में कई लगे हुए हैं, इसमें ऑरेंज जूब लगी एक चंपा, देखिए मेरा वो है। तो ये जो है ये सब कटिंग से लगे हुए हैं मेरे, मैं लो कॉस्ट गार्डनिंग करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ टमाटर भी अच्छी संख्या में लगे हुए हैं, और ये एक फ्लावर प्लांट है, ये फ्लावर प्लांट है। तो मल्चिंग की मैं इस समय बात कर रही थी, मल्चिंग के लिए हम सूखे पत्तियाँ किचन में इसको सुखा दीजिए तो उससे भी हम मल्च कर सकते हैं। गत्ते हार्डबोर्ड वगैरह इसके भी टुकड़े कर करके जो डिज़ोल्व हो जाए, जो गल जाए पानी डालने से, ऐसी चीज़ों की मल्चिंग हमें पौधों में करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन तो सूखी पत्तियाँ रहती हैं जो खाद का भी काम बाद में कर लेती हैं। तो इस तरह से मेरा गार्डन देखिए दोस्तों यूँ लग रहा है, खूबसूरत गार्डन, मिडिल फ्लोर पर है बना ये गार्डन, और छत तो मेरी दूसरी है। यहाँ पर मेरा कुछ प्लांट्स यहाँ पे हुए हैं, देखिए गुड़हल लगा हुआ है, और यहाँ पर कनेर येलो कलर का, ये सब बीज से लगे हुए हैं, ये गुड़हल कटिंग से लगा हुआ है। ये सब बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे।